देखिए, एक केमिस्ट्री का आपका पांचवा चैप्टर पृष्ठ रसायन, और इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो अधिशोषण, और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अवशोषण। देखिए, अवशोषण आपका क्लास 12th का चैप्टर नहीं है, टॉपिक नहीं है, ये आपको छोटी क्लास में पढ़नी थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है उसको समझते हैं। पहले इसको समझ लीजिए कि पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे किसको। तो सरफेस केमिस्ट्री की यदि आप बात कीजिएगा तो सरफेस केमिस्ट्री एक तरह का ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग पृष्ठ पर किसी वस्तु के पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और पृष्ठ कहें तो अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ किसको कहते हैं उसको भी समझाते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है कि पृष्ठ रसायन वैसा रसायन है जिसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, तो किसी वस्तु के पृष्ठ पर होने वाले घटना का अध्ययन करते हैं, यानी पृष्ठ अथवा अंतरापृष्ठ पर होने वाली घटना, और वो आपका क्या कहलाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। अंतरापृष्ठ क्या है इसको समझते हैं कि जब दो वस्तुएं आपस में जुड़ती है तो उसके बीच का जो हिस्सा जहां पर उसका सतह टकराता है उसको हम लोग अंतरापृष्ठ कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास आपका कोई एक वस्तु है ये, और इस वस्तु को देखिए तो यहाँ पास आपको मान के चलिए कांच है, कांच, और इधर से आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, वायु होगा कि नहीं। तो वायु और कांच में एक ऐसा जगह है जहां पास दोनों आपस में टकर रहा है। जैसे यहाँ पास देखिए ये वाला, आप हमारे पास एक वस्तु, ये वस्तु है, ये दोनों आपस में कहाँ टकर रहा है, इस जगह पे टकर रहा है ना, तो जहां पर से दोनों सटेगा उसको क्या बोलेंगे, अंतरापृष्ठ बोलेंगे। तो यहाँ पास इस कांच को और इस वायु को देखिएगा तो ये जगह पे दोनों आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो अगर मिल रहा है तो इसी जगह को हम लोग क्या बोल देंगे, अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ बोलेंगे। तो एक पृष्ठीय रसायन या पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, तो किसी वस्तु के अंतरापृष्ठ पर होने वाली घटना। अंतरापृष्ठ पर क्या क्या घटना हो सकता है, तो किसी चीज को आप अंतरापृष्ठ पर चिपका सकते हैं, नहीं चिपक सकता है। जैसे देखिए आपका एक कैमरा चल रहा है, तो यहाँ पास कैमरा पर यदि हम टेप लगा दे तो बताओ क्या टेप होगा, कैमरा के अंदर में घुस जाएगा, नहीं घुसेगा। इसके अथी पर हम ऐसे कैसे चिपका सकते हैं, तो इसके पृष्ठ पर हम चिपकाएंगे ना कि कैमरा के अंदर घुसेर देंगे। तो अगर कैमरा के अंदर नहीं जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठ रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे और उसको हम लोग अधिशोषण बोलेंगे। तो अधिशोषण एक तरह का क्या है, पृष्ठीय घटना है, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है अवशोषण। तो अधिशोषण और अवशोषण में ज्यादा अंतर नहीं है, देखिये दोनों का स्पेलिंग भी सेम है, यहाँ पास डी है जबकि यहाँ पास बी है। तो अधिशोषण को एडजॉर्प्शन बोलेंगे और जबकि अवशोषण को एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। इस दोनों में बहुत कम अंतर होता है, दोनों के दोनों आप देखिएगा तो मिलता जुलता वर्ड है। कि इसमें अंतर क्या है कि अधिशोषण जो है पृष्ठीय घटना है, यानी वो अंतरापृष्ठ पर होगा, जबकि अवशोषण क्या है तो वह अस्थूल में होगा। अस्थूल माने अंदर वाला पार्ट, अस्थूल का मतलब अंदर, जैसे हम हमारे अंदर की अगर बात करें, अपने अंदर की बात करें तो ये हमारा शरीर, तो शरीर के अंदर जो खाते पीते हैं वो अस्थूल में जाता है, जबकि जो साबुन शैम्पू क्रीम क्रीम लगाते हो कहाँ लगाते हो तुम लोग, सतह पे लगाते हो, अंतरापृष्ठ पे लगाते हो। तो अस्थूल का मतलब अंदर वाला हिस्सा, और जबकि सतह का मतलब या अंतरापृष्ठ का मतलब बाहर वाला हिस्सा। तो जो अवशोषण होता है, तो अवशोषण में कोई भी कण उसके सतह पर नहीं रहता बल्कि सतह के अंदर घुस जाता है, सतह के अंदर। जैसे आप एक गद्दी लीजिए, तो गद्दी लीजिए, जैसे देखिए माइक में लगा हुआ गद्दी है कि नहीं, इस गद्दी को अगर हम पानी से भिंजा दें तो क्या लगता है कि पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, पानी इसके अंदर चला जाएगा। तो अंदर चला जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पास क्या हो रहा है, पानी इस गद्दी में क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, अवशोषण। लेकिन उसी पानी को यदि इस बोर्ड पर अगर हम छिड़क दें, इस पे छिड़क दें तो क्या लगता है, पानी इसके अंदर घुस जाएगी क्या, नहीं घुसेगी। अब पानी इसके अंदर नहीं जाएगा तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिशोषण। इसको क्या बोलेंगे, अधिशोषण। तो अवशोषण अधिशोषण में आप अंदर समझ गए कि अधिशोषण क्या है। तो अधिशोषण आपका एक पृष्ठीय घटना है जिससे किसी वस्तु को चिपकाया जाता है। अवशोषण कौन सी घटना है, तो अवशोषण एक तरह का वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी वस्तु यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पदार्थ उस वस्तु के अंदर में घुस जाता है जिसमें उसको डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर पता ही तो कि इस पे बोर्ड पे अगर हम लिखे हुए जो पद लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये बताओ लिखने की जो क्रिया है अधिशोषण हो रहा है यहाँ पास की अवशोषण हो रहा है, यहाँ पास अधिशोषण हो रहा है, इसलिए अधिशोषण हो रहा है ये लिखे है तो क्या ये अगर अंदर घुस गया है, ये पृष्ठ पर चिपका हुआ है, तो पृष्ठ पर चिपका हुआ तो इसको हम लोग अधिशोषण बोलेंगे। HD ग्लो लगाते हो,
फेयर एंड लवली, बताओ तुम उसका स्किन पर क्या होता है? अधिशोषण की अवशोषण, अधिशोषण होता है, थोड़ा ना अंदर में घुस जाता है, उसका क्या होता है? अवशोषण होता है। लेकिन बताइए कि आप आलू को सिझा दीजिए, घर में आलू को सिझाइए और उसमें नमक डाल दीजिए आप, तो क्या नमक आलू के ऊपर वाला सतह पर केवल रहता है, उसका नमकीन वाला हिस्सा अंदर में भी चला जाता है। तो अंदर में चला जाता है तो बताइए कौन सा क्रिया करेगा? अवशोषण करेगा। ये अलग बात है कि अवशोषण करने में कितना समय लग रहा है। जैसे जलेबी बनता है तो जलेबी बना करके उसको किस में डाल दिया जाता है? सीरा में डाल दिया जाता है। तो सीरा में डाल दिया जाता है तो क्या जलेबी खाली ऊपर से मीठा लगता है, अंदर से मीठा लगता है? तो अंदर से मीठा लगता है तो वहां कौन सी क्रिया हो रही है? अवशोषण हो रहा है, वहां बस अवशोषण हो रहा है। जबकि अगर बात कीजिएगा आप कलर का, जैसे मान के चलो चौक, यार ये तो आपका मार्कर है ना, चौक जिस खाली जिसको बोलते हो, खाली को इंक में डुबा दीजिए तो क्या वो खाली जब इंक में डूबेगा तो इंक खाली के अंदर प्रवेश कर जाता है? नहीं प्रवेश करता। उसको तोड़िएगा आप चौक को तो अंदर से उजले नजर देगा, तो उजला नजर देगा तो बता दो कि वहां पर इंक का अधिशोषण हुआ है कि अवशोषण हुआ है? अधिशोषण हुआ है। तो अधिशोषण किसको कहेंगे, अवशोषण किसको कहेंगे? अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया आपका। तो अवशोषण अधिशोषण क्या है? तो अवयवी कण स्थूल में न प्रवेश कर करके सतह पर ही सांद्रित रहता है, मतलब इकट्ठा रहता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिशोषण बोलते हैं। जैसे मान के चलो कि ये आपके पास पदार्थ है और इसको किसी चीज में मिट्टी से मान के चलो लिभा दी हो, तो मिट्टी से अगर लिपोक दिया है इस तरह से, तो इस तरह से लिपोगे तब मिट्टी अगर अंदर में नहीं घुसेगा, और नहीं घुसेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? अधिशोषण की अवशोषण, अधिशोषण। जैसे आपका एक दीवार दिख रहा है, अगर एक पर हम गिल्ला मट्टी फेंक दे तो चिपक जाएगा कि नहीं? तो वहां पास मिट्टी का अधिशोषण होगा कि अवशोषण? अधिशोषण होगा। लेकिन जो मिट्टी में जल होगा, जल यानी पानी, वो पानी का क्या होगा? अवशोषण होगा। क्योंकि ईटा को आप फुलाइएगा पानी में तो पानी उसके अंदर तक प्रवेश कर जाती है, और जब पानी अंदर तक प्रवेश करेगी तो उसका क्या बोलेंगे? अवशोषण बोलेंगे, क्योंकि उसके स्थूल में चला जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? अधिशोषण, और ये आपका अवशोषण। इसी चीज को लिखे है कि जब अवयवी कण, अवयवी कण मतलब जिसको हम लोग उसको फेंकते हैं या साटते हैं, वो अवयवी कण स्थूल में प्रवेश कर जाता है, तो उस प्रवेश कर जाता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण की क्रिया बोलते हैं, उसको अवशोषण बोलते हैं। जैसे बताइए कि आप देखिएगा एक चीज और, कि जो अवशोषण होता है ना, प्रसरण विधि द्वारा कोई भी पदार्थ क्या होता है? अवशोषण के दौरान उसके अंदर घुस जाता है। जैसे आप देखिएगा कि कपड़ा को भिंजा दीजिए, तो कपड़ा को अगर एक सिरा को पानी में डालिएगा तो पानी धीरे धीरे अवशोषित होकर के कहां चला था? ऊपर चला था कि नहीं? तो उस कपड़ा में पानी का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। हम लोग स्नान करते हैं तो बताओ, तो स्नान करते हैं तो हमारे अंदर में अवशोषण की अधिशोषण, अधिशोषण होगा, क्योंकि पानी से स्नान करते हैं तो पानी अंदर में थोड़ू नहीं हिल जाता है, पानी अंदर में आपका नहीं हिलता, नहीं हिलता तो फिर क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा? अधिशोषण हो जाएगा, ठीक है, वो आपका अधिशोषण। फर्श को धोते हो तो फर्श को धोना क्या है? अधिशोषण है, क्योंकि फर्श के अंदर पानी नहीं जाता है तो अधिशोषण होता है। तो अधिशोषण अगर कैसे एग्जांपल दे दिया पहचान लोगे कि नहीं, आराम से पता चल जाएगा। इसके अलावा देखिए चीज और समझिए कि अवशोषण में सांद्रित होने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, और जबकि अवशोषण में क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है, जबकि अधिशोषण में आप देखिएगा तो समय कम लगता है, क्योंकि इसमें मारोगे तो तुरंत चिपक जाएगा। लेकिन अवशोषण होने में क्या होता है? उतना पानी अंदर घुसेगा तो थोड़ा टाइम लेगा ना। जैसे अगर मान के चलिए कि यहाँ पास कोई पृष्ठ है आपका इस तरह से, ठीक है, और इसको आपने पानी से भिंजा दिया, तो पानी से भिंजा दिए हो तो पानिया तो एक में जाने में समय लेगा ना, कुछ न कुछ चारों तरफ से अगर भिंजाओगे इसको तो भिंजने में क्या लगेगा? समय लगेगा। तो अगर पानी चारों तरफ हो रहा है, याद रखिएगा कि ये आपको क्या है? वस्तु है, वस्तु। जबकि ये वाला के हिस्सा की बात की जाएगा तो ये क्या है? पानी, पानी। तो यहाँ पास इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पास जब देखिएगा तो ये वाला आपका क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। इसमें पानी का क्या हो रहा है? अवशोषण, अवशोषण हो रहा है। और जबकि यहाँ पास देखिएगा तो मान के चलो कि ये वाला भी आपका क्या है? पानी है, पानी। तो पानी इसको से केवल चिपकल रहेगा, ऐसा से चिपकल रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? अवशोषण। यहाँ पास क्या हो रहा है? पानी का अधिशोषण, अवशोषण नहीं, अधिशोषण, अधिशोषण हो रहा है। जैसे अभी हम दिखाते हैं आपको पानी करके, जैसे याद कीजिए अगर इसको अगर हम पानी को इस पर फेंके, देखो थोड़ा सा दिखाते हैं,
देखो तो पानी अंदर थोड़ा ना गया, पानी अंदर गया है तघार करके ऊपर आ जा रहा है, तो अगर तघार करके नीचे गिर रहा है तो ये वाला जो हो रहा पानी जो इसमें चिपका हुआ है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अधिशोषण बोल देंगे। यानी कि यहाँ पास पानी का क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, यहाँ पास पानी का अधिशोषण हो रहा है। लेकिन इसी में अगर हम एगो पेपर डाल दें, इसमें एगो पेपर डाल दें, जैसे देखिए इस कपड़ा पर अगर हम पानी को डालते हैं, देखिए तो पानी पूरा अंदर तक गया, तो अंदर तक गया तो यहाँ पास पानी का क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, जबकि यहाँ पास देखिएगा तो क्या हो रहा है आपका, अधिशोषण हो रहा है। तो अवशोषण और अधिशोषण अच्छी तरह से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इसको से मिलता जुलता तीन चार वर्ड है, इस चैप्टर में आपको तीन चार वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगी जिसको आप समझिए, हमेशा ये चीज आपको याद रखना होगा। इसमें एक वर्ड आएगा अधिशोषक, एक वर्ड आएगा अधिशोष, और एक अंतरापृष्ठ, और एक शोषण, और एक विशोषण। तो अंतरापृष्ठ तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पास ही वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, अंतरापृष्ठ, मतलब जहाँ दो माध्यम आपस में टकराती है उस टकरान सतह को हम लोग क्या बोल देते हैं, अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ का मतलब ये नहीं कि अंदर वाला पृष्ठ, ऐसा नहीं है। अंतरापृष्ठ मतलब जो जब दो पृष्ठ यानी दो माध्यमों का पृष्ठ जिस बिंदु पर या जिस लाइन पे जिस रेखा पे जिस जगह पे मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरापृष्ठ बोलते हैं। तो अंतरापृष्ठ आपको समझ में आ गया होगा, इसमें दो माध्यम होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, दो माध्यम होना चाहिए, दो माध्यम। और एक ही माध्यम रहेगा तो अंतरापृष्ठ बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि एक ही माध्यम का या एक ही वस्तु का कण आपस में अच्छी तरह से मिश्रित होते हैं, इसलिए उसका अंतरापृष्ठ नहीं बनता है। जैसे गैस, आप कोई भी गैस ले लीजिए, उस गैस का अंतरापृष्ठ बन ही नहीं सकता है, क्योंकि गैस एक दूसरे में अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो आपका अंतरापृष्ठ नहीं बनाती है। अधिशोषक, देखिए अधिशोषक समझिए, अधिशोषक क्या है, तो अधिशोषक की अगर आप बात कीजिएगा तो अधिशोषक उसको कहते हैं जो किसी पदार्थ को अपने ऊपर में चिपका ले। जैसे यहाँ पास देखिए, तो यहाँ पास अभी पानी डाले कि नहीं, तो ये बोर्ड पानी को अपने ऊपर में चिपका करके रखा हुआ है कि नहीं, तो ये बोर्ड जो कहलाएगा अधिशोषक कहलाएगा। जैसे यहाँ पास हम मिट्टी लेकर किसका ऐसे थप दें ऐसे, तो मिट्टी एक ऊपर में चिपकल रहेगा, तो अगर मिट्टी चिपका हुआ है किसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर में, तो बोर्ड आपका क्या कहलाएगा, अधिशोषक। जैसे अभी गर्मी के समय बताइए पाउडर पूरा धार के लगा लेता है कि नहीं, बता दो, पूरा पाउडर लगाता है ढेर, तो बचपन जो होता है छोटकन उसको लगा भी ठीक से नहीं आता है, वो लगा के आता पूरा इधर उधर लगल रहेगा, तो बताओ तो जरा कि पाउडर आपका जिस पर चिपकल है वो क्या कहलाएगा, अधिशोषक। पाउडर के आप बताइए तो हमारा शरीर किस रूप में कार्य करता है, अधिशोषक के रूप में, क्योंकि यह चिपका लेता है, चिपका लेता है, क्या कहलाएगा, अधिशोषक। अधिशोषक क्लियर हो गया, अधिशोष से आप समझिए, अधिशोष से किसको कहते हैं, तो अधिशोष की यदि बात की जाए तो अधिशोष से उसको कहते हैं जो अधिशोषक के ऊपर में जा करके चिपक जाएगा। जैसे अधिशोषक के अंतर्गत कौन सी आ जाएगा, तो अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारा शरीर आ जाएगा, शरीर, शरीर किस रूप में कार्य करता है, अधिशोषक के रूप में, जबकि शरीर के ऊपर में लगाया गया पाउडर, लगाया गया पाउडर, पाउडर किस रूप में आ जाएगा, अधिशोष से, पाउडर, पाउडर ही वो नहीं होगा, बहुत सारा हो सकता है। जैसे शरीर के ऊपर अगर पाउडर लगाते हो तो क्या हो जाएगा, पाउडर अधिशोष से हो गया। अगर मान के चलो इस शरीर पर पाउडर ना लगा करके कुछ और ही, जैसे होली में क्या करता है लोग, मिट्टी उट्टी लगा देता है, रंग लगा देता है, तो रंग क्या कहलाएगा, अधिशोष से कहलाएगा, जबकि आपका शरीर क्या कहलाएगा, अधिशोषक कहलाएगा। यहाँ पास अधिशोषक आपका शरीर हो जाएगा, अधिशोष पाउडर हो जाएगा, रंग हो जाएगा, मिट्टी वगैरह हो जाएगा, वो आपका अधिशोष से। देखिए आपको अधिशोषक पता हो गया, अधिशोष से पता हो गया, अंतरापृष्ठ मालूम हो गया, आप समझिए शोषण क्या होता है। देखिए शोषण एक समाज वाला शोषण अलग वर्ग है, ठीक है, किसी को सताना शोषण होता है समाज में, लेकिन वो शोषण वाला नहीं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, शोषण का मतलब यहाँ पास उस चीज से होता है जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ 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 मतलब एक साथ जब दोनों होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अधिशोषण, सॉरी शोषण बोल देंगे। यानी कि शोषण किसको कहेंगे, तो अवशोषण और अधिशोषण, देखिए अधिशोषण, अधिशोषण, अधिशोषण ही वाला पर, और प्लस अवशोषण, अवशोषण दोनों साथ साथ होगी तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, शोषण। न एकर बात, न एकर बात, इधर से अभी काट दो और इधर से अब काट दो, केवल लिख दो शोषण। तो जब दोनों घटनाएं साथ साथ होंगी, अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ होगा तो क्या बोल देंगे, शोषण। जैसे मैं आप देखिए चारकोल देखे होंगे, चारकोल मैंने
अरे कोयला आप समझो ना, चारकोल। तो चारकोल के ऊपर में यदि गैस को आप प्रवाहित कीजिएगा, गैस, तो गैस का करेगा, कहा डायरेक्टली डायरेक्टली गैस अंदर घुस जाएगा। सबसे पहले का पृष्ठ पर जाकर के ऑब्जर्व मतलब सटेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर में घुसता है। तो सबसे पहले देखिए वहां पर ऊपर सतह में सटा है तो उसको क्या बोलेंगे, अधिशोषण बोलेंगे। लेकिन कुछ समय बाद कहां चला जाएगा, अंदर, यानी कि अस्थूल में चला जाएगा। तो जब अस्थूल में चला जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, अवशोषण। तो देखिए यहाँ पास दोनों घटना हो रहा है कि नहीं, उस कोयला में हाइड्रोजन का अधिशोषण प्लस अवशोषण दोनों घटनाएं हो रही है। तो जब दोनों घटना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोषण। ये आपका अधिशोषण प्लस अवशोषण जो घटना है साथ साथ होती है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, शोषण, केवल शोषण बोलेंगे। तो एक डिब्बा भी तो हम बोले थे ना कि अधिशोषण होने में समय नहीं लगता है, जबकि अवशोषण होने में समय लगता है। तो धीरे धीरे गैस कहाँ जाता है, अंदर जाता है, वो आपका अधिशोषण। विशोषण क्या होता है आप समझे, विशोषण क्या चीज होता है, तो जिसका अवशोषण हो जाएगा उसको में से आप कान को बाहर नहीं निकाल सकते हो, लेकिन जिसका अधिशोषण होगा उस अधिशोषण में से हम लोग कान को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका प्लाई बोर्ड यानी बोर्ड है, और इस बोर्ड पर हमने इसको चिपका दिया, इसको इंक को, तो इंक को चिपका दिए, तो इस इंक को हम छोड़ा भी तो सकते हैं। तो इस इंक को अगर हम छोड़ा दिए, इस छोड़ाने की घटना क्या कहलाएगा आपका, विशोषण। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, विशोषण। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी अधिशोषक पर से, किसी अधिशोषक पर से अधिशोष पदार्थ को हटाने की क्रिया क्या कहलाता है, विशोषण। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि अधिशोष पदार्थों को हटाने की क्रिया क्या कहलाता है, विशोषण। क्या लिख दीजिए, अधिशोष, अधिशोष, अधिशोष पदार्थ को, पदार्थ को हटाने की क्रिया, और उस क्रिया को क्या बोल देंगे हम लोग, विशोषण बोल देंगे। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि विशोषण किसको कहेंगे, शोषण किसको कहेंगे, अंतरापृष्ठ किसको कहेंगे, अधिशोषक किसको कहेंगे, अधिशोषक किसको कहेंगे। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम लोग किस चीज की पढ़ाई करते हैं। तो पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम लोग पृष्ठ पे होने वाली सभी घटनाओं को पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आपको अधिशोष, अधिशोषण और अवशोषण, ये दोनों भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग इस क्लास का अगला टॉपिक अगले वर्ड पढ़ाएंगे, ठीक है, इतना आप राइट कीजिए।